चीफ मिनिस्टर डिजिटल सेवा योजना हाल फिलहाल धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। यह फोन सितंबर 2022 में मिलने थे, लेकिन अब तक महिलाओं के हाथों में ये फोन नहीं आए हैं। इधर चुनावी साल होने के चलते योजना ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रही है। जिले में प्रोजेक्ट के तहत करीब 3,58,000 महिलाओं को तथा प्रदेश भर में करीब 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन अनुबंधित कंपनियों को समय पर कार्यादेश आदि नहीं मिलने से काम आगे नहीं बढ़ सका है। ऐसे में सरकार की ये योजना रफ्तार नहीं पकड़ पाई। प्रदेश भर में करीब 1,35,00,000 महिलाओं को एक मोबाइल फोन पहुंचाने में समय तो लग ही जाएगा। यदि जनवरी के पहले सप्ताह में काम शुरू होता है तो भी कम से कम 8 माह का समय लगना तय है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्टूबर में चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि अभी सरकार इस बारे में होमवर्क कर रही है। मोबाइल फोन प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसी पैसे से सरकार गैस सिलेंडर सब्सिडी जैसी कोई अन्य योजना लागू कर सकती है। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के कारण भी मोबाइल देने की योजना में देरी होना माना जा रहा है।